हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे प्लेटफॉर्म रन बाय एलकारो करियर इंस्टीट्यूट। मैं डॉक्टर मनोज, आपकी फिजिक्स फैकल्टी, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ एचसी वर्मा के चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, अ पार्टिकल ऑफ मास 50 ग्राम moves on a straight line. The variation of speed with time is shown in figure. Find a force acting on the particle at t equal to 2, 4 and 6 second. और डायग्राम हमें यहाँ क्वेश्चन के साथ गिवन है। तो बेसिकली इस डायग्राम में हमें गिवन है स्पीड और टाइम के बीच में कर्व। तो एक पार्टिकल जिसका मास है 50 ग्राम स्ट्रेट लाइन में मूव करता है और इस स्ट्रेट लाइन मोशन को रिप्रेजेंट किया गया है इस ग्राफ में। तो हम देख सकते हैं कि ये ग्राफ स्टार्ट होता है जीरो से लेके और 3 सेकेंड तक इसकी स्पीड बढ़ के 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। फिर 3 सेकेंड से लेके और 5 सेकेंड तक ये कांस्टेंट स्पीड से चलता है और लास्ट में 5 सेकेंड से लेके और 8 सेकेंड के बीच में ये दोबारा डीएक्सलरेट करता है और इसकी स्पीड वापस से कम होके 8 सेकेंड के ऊपर 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो यहाँ 3 तरह के मोशन परफॉर्म हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में जो 0 से लेके और 3 सेकेंड के बीच का रीजन है, वहाँ तो एक्सलरेटेड मोशन हो रहा है। 3 सेकेंड से लेके और 5 सेकेंड के बीच में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म हो रहा है और 5 सेकेंड से लेके और 8 सेकेंड के बीच में यहां रिटार्डेशन वाला मोशन शो हो रहा है। तो तीनों तरह के मोशन इसमें दिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें हमें गिवन है, तो सॉल्व करते समय जो सबसे पहले वैल्यू हमें गिवन है वो गिवन है मास, और मास की वैल्यू हमें गिवन है 50 ग्राम। तो मैं अगर इस 50 ग्राम को कन्वर्ट करता हूं केजी में, तो मैं लिखूंगा 50 × 10⁻³ kg। तो हमने सबसे पहले इस मास को SI यूनिट में कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां हमें जो स्पीड दी हुई है वो मीटर पर सेकंड में दी हुई है। तो हमने इस मास को भी SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं कि पार्टिकल के ऊपर, पर्टिकुलर इन टाइम्स के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि इन पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहां टाइम जिसके ऊपर मुझे फोर्स निकालना है वो है 2 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। तो मैं अगर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, तो फोर्स की वैल्यू बच्चों होती है m into a। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन 1 को यूटिलाइज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले यहां निकालना पड़ेगा इस एक्सेलरेशन को, और हर एक रीजन के एक्सेलरेशन को इंडिपेंडेंट काउंट करने के बाद जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से इसको निकालेंगे। हम ये जानते हैं बच्चों कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। तो यहां जो फर्स्ट रीजन मुझे दिया हुआ है 2 सेकंड का, उस 2 सेकंड के ऊपर मुझे निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, और यहां यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, तो जो एक्सेलरेशन 0 से लेके और 3 सेकंड के बीच में होगा वही इस 2 सेकंड पे भी होगा। तो मैं इस स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए यहां लिखूंगा एक्सेलरेशन a = y2 - y1 / x2 - x1। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को हम मान के चलेंगे इस ओरिजिन को, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0, और सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएंगे 3 और 15। तो मैं अब अगर y2 की वैल्यू यहां आइडेंटिफाई करूं, तो y2 की वैल्यू मेरी होगी 15। तो यहां वैल्यू पुट करें तो मैं लिख सकता हूं 15 y1 होगा मेरे पास 0, तो 15 - 0 / x2 की वैल्यू होगी 3 और x1 होगा 0। मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 15 / 3,
या मैं इसको लिख सकता हूं 5 meter per second square। एक तो ये तरीका है जिससे आप इस एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है कि अगर इस एक्सेलरेशन को मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं यहां फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं टेन थीटा का। तो ये एंगल अगर मैं थीटा अज्यूम कर लूं, ये एंगल है 90 डिग्री का, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 15 और बेस की वैल्यू यहां से लेके और इस पॉइंट तक की वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये आ जाता है 5 meter per second square। तो आपके पास इस क्वेश्चन में ऑप्शन है, आप एक्सेलरेशन की वैल्यू इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं y2 - y1 / x2 - x1, या फिर डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं a = tan थीटा। तो ये जो आपका एक्सेलरेशन आया, इस एक्सेलरेशन को हम नाम दे देते हैं a1। तो अब मेरे पास इस 2 सेकंड के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू है जिसको मैंने कहा है a1। तो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैं अगर फोर्स कैलकुलेट करना चाहूं तो फोर्स F1 = m × a1। हम वैल्यू पुट करें तो m की वैल्यू मुझे दी हुई है 50 × 10⁻³। और a1 हमने कैलकुलेट किया 5 meter per second square। मैं इसको सॉल्व करता हूं तो 50 × 5 हो गया 250 × 10⁻³। इस -3 को मैं इस तरफ ले जाऊं तो मैं लिख सकता हूं 0.25 न्यूटन। तो इस 2 सेकंड के ऊपर इस बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 0.25 न्यूटन। इसी तरह से मैं अगर 4 सेकंड के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो अगेन मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक्सेलरेशन की वैल्यू, और इस एक्सेलरेशन को हम अज्यूम कर लेते हैं a2। तो मैं अगर यहां a2 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये आता है 3 सेकंड और 5 सेकंड के बीच में, और यहां पे स्लोप जो है वो 0 है क्योंकि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं कि यहां एक्सेलरेशन a2 कितना है, 0 meter per second square। और अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैं अगर फोर्स की वैल्यू निकालता हूं तो m × a2, तो a2 क्योंकि मेरा 0 है तो नेट फोर्स भी यहां कितना हो जाएगा, 0। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की जो है 6 सेकंड। अब इस रीजन को देखते ही हमें पता पड़ता है कि यहां टाइम के साथ स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब ये रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन मुझे यहां सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा a3। मैं यहां a3 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, फॉर्मूला लिखता हूं y2 - y1 / x2 - x1। यहां फाइनल पॉइंट होगा दिस पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूं तो लिखूंगा 8, 0, और इनिशियल पॉइंट होगा मेरा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे 5 and 15। तो मैं अब अगर यहां वैल्यू पुट करूं तो y2 हो गया 0, y1 की वैल्यू, तो y1 की वैल्यू है मेरे पास 15, x2 की वैल्यू, तो x2 है हमारे पास यहां 8, और x1 की वैल्यू मेरे पास है 5। तो मैं यहां से लिख सकता हूं -15/3, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं -5 meter per second square। तो यहां ये जो माइनस साइन है ये रिप्रेजेंट करता है रिटार्डेशन को। तो अब अगर इस 6 सेकंड के ऊपर मुझे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो मैं लिख सकता हूं F3 = m × a3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, m मुझे दिया हुआ है 50 × 10⁻³, और a3 हमने कैलकुलेट किया -5। अगेन हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -250 × 10⁻³, या फिर मैं इसकी वैल्यू को लिख सकता हूं F3 = −0.25 न्यूटन। तो ये माइनस साइन यहां ये शो करता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन मोशन के अपोजिट है। तो हमने यहां पे तीनों रीजन में
F1, F2 और F3 की वैल्यू कैलकुलेट की जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आए होंगे। हमने यहां दो तरह के कंसेप्ट यूज किए। सबसे पहले हमने ये सीखा कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। हमने ये भी सीखा कि इस एक्सेलरेशन को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। और फाइनली हमने कैलकुलेट किए फोर्स इन अ गिवन रीजन। तो इसी तरह के कुछ और कंसेप्ट को लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।